इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात तट से टकराया है तूफान बिपरजॉय। कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। जखाऊ से 20 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है तूफान, लेकिन इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। वहीं रात 12 बजे तक लैंडफॉल रहेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। आधी रात तक का समय ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कल सुबह तक इसके चक्रवात में बदलने की आशंका है। लोगों को तटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। तूफान को लेकर तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बिपरजॉय जिसके आने की आहट से गुजरात समेत तमाम तटीय इलाके सहमे हुए हैं और गुजरात में इसका लैंडफॉल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आधी रात के करीब जखाऊ तट पर पूरी तरह से लैंडफॉल इसका हो जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। और आगे का समय काफी खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ये तूफान अपने साथ भारी तबाही लेकर के आता है। जबरदस्त बारिश हो रही है, इसके साथ साथ काफी तेज हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से कई जगह जो कमजोर स्ट्रक्चर है वो उखड़ते भी दिख रहे हैं। सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तूफान के बाद जगह जगह टूट फूट हो रही है। जो भी कमजोर स्ट्रक्चर है वो 115 से 125 किलोमीटर हवा की मार नहीं झेल पा रहे और टूटते फूटते हुए नजर आ रहे हैं। कच्छ के इलाके इस तूफान की चपेट में आए हैं। आधी रात तक का समय काफी खतरनाक बताया जा रहा है और ऐसे में लोगों से काफी सतर्क रहने की गुजारिश की गई है। तमाम एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। बिपरजॉय तूफान लैंडफॉल शुरू हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिसकी जानकारी मिल रही है। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, अंकुर त्यागी जो कि मांडवी से हैं और साथ ही साथ जामनगर से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अंकुर, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि हमने दिन में ही देखा था जो समंदर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा था और बिपरजॉय अब तो आ चुका है। चंदन, आपने जब सवाल मुझसे पूछा है तब उसी के साथ हवा का जो बहुत तेज झोंका है उसने मुझे लगभग अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए बहुत पूरी कोशिश भरपूर करी है और ऐसा हर बार हो रहा है। आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं, एक जगह पर इतनी तेज हवा के झोंके आ रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार है। एग्जैक्टली अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन यकीनन तौर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार के साथ हवाएं इस वक्त बह रही हैं, बारिश बूंदाबांदी हो रही है। इससे पहले हमने देखा था 2-3 घंटे जबरदस्त तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश का क्रम थोड़ा रुक गया है, लेकिन बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है। इससे एक फायदा यह हो रहा है कि निचले इलाकों में जो वाटर लॉगिंग है वो अभी तक ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होती हुई हमें दिखाई दी। शहर के दूसरे हिस्सों में भी वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा सा समुद्र के पास बसे हुए जो घर है, कॉलोनियां है, वहां अगर आप जाएंगे तो आपको समुद्र के अंदर जो करंट होगा, क्योंकि हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो आवाज जो जितनी जबरदस्त तरीके से आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि समुद्र में लहरों में जबरदस्त करंट है। बिल्कुल, गरज और हवा की रफ्तार हम सुन पा रहे हैं और गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है कि हवा कितनी तेज रफ्तार से बह रही है। निश्चित तौर पर वहां जो लोग मौजूद होंगे उनको इस वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अंकुर, अगर बात की जाए इस पूरे बिपरजॉय तूफान की, तो क्या कुछ इसके किसके बारे में बताया गया है? आधी रात के करीब ये लैंडफॉल होगा, इसके आगे का जो समय है वो कितना खतरनाक है, किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है? क्या आप सवाल दोहरा पाएंगे मुझे? जी बिल्कुल, लैंडफॉल 12 बजे बताया जा रहा है, आगे का समय जो है वो कितना क्रूशियल है, कितने समय तक इसका असर रहेगा? देखिए, 11 बजे का टाइम दिया गया था, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे का जो लैंडफॉल है, जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहेगा, उसके बाद भी जो उसका असर है वो कम से कम 4-5 घंटे रहेगा। तो आप सुबह के तकरीबन 6 बजे तक आप यकीन मानिए हवाओं के रुख में नरमी की उम्मीद मत कीजिएगा, ना आप ये उम्मीद कीजिएगा जो समुद्र है उसकी लहरें शांत हो जाएंगी। सुबह के 6 बजे मैं मिनिमम बता रहा हूं, असर आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हवाओं में जो रफ्तार है वो लगातार इसी तरह 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की बनी रहेगी। बारिश आएगी जाएगी, लुका छिपी चलती रहेगी, लेकिन जब भी बारिश हो रही है बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही है यहाँ पर। और दूसरा, जो समुद्र है वो जितना अनरेस्ट है,
जितना रफनेस समुद्र के अंदर है वो भी लगातार बनी रहेगी। और ये मैं सुबह 6 बजे तक की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी ये क्रम कल 16 तारीख की शाम तक धीरे 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 कम होगा, लेकिन उसको कम होने में काफी टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जो तैयारियां की गई हैं, ये माना जाए कि जो जीरो कैजुअल्टी की बात कही गई है उसको लेकर के पर्याप्त तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से राज्य स्तर पर, और तमाम एजेंसियां जो केंद्र की हैं वो भी तैयार हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर जो खुद गुजरात सरकार के मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से लगातार हर जगह का वो दौरा कर रहे हैं, ये जो जामनगर का जो कलेक्टर ऑफिस है यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और खुद हम भी जामनगर इलाके के अंदर हर जगह पर जाकर के देख करके आए हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने तैयारियां पूरी की हुई है और जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो सड़क पर दिख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं। अब वो देखना होगा कि अब जिस तरह से जामनगर में हालात हैं साइक्लोन को लेकर के, जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पर अचानक बारिश आती है, अचानक से तेज हवाएं चलती हैं, फिर रुक जाती है, फिर आधे पौने घंटे के लिए तेज हवाएं चलती हैं, तो इसको लेकर के अब क्योंकि 12 बजे के आसपास साइक्लोन जब टकराएगा और इसका जो इम्पैक्ट असल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो वो लैंडफॉल होना था उससे पहले का जो इम्पैक्ट था, तैयारियां थी वो चल रही थी, अब जब टकराएगा और उसके बाद जिस तरह का इफेक्ट आएगा, रात को टकरा करके कल दोपहर तक का इसका इम्पैक्ट जो है लगातार बना रहेगा, उस दौरान पता चलेगा कि किस तरह के हालात रहे हैं। हालांकि अगर अभी की बात करूं मैं चंदन, क्योंकि मैं खुद यहां पर इस समय जामनगर का जो सेंट्रल पॉइंट है यानी कि पूरे जिले की जो तैयारियां हैं, पूरे जिले में किस तरह के हालात है उसकी निगरानी यहां से रखी जा रही है, हर तहसील में क्या हालात है उसका पता लगाया जा रहा है। अभी कुछ मिनट पहले यानी कि लाइव पर आने से कुछ मिनट पहले मैंने जब हालात का जायजा लिया था तो पता लगा था कि अभी तक के जो हालात हैं जामनगर में बिल्कुल सामान्य है, तेज हवाएं जरूर चली है, बारिश जरूर चली है, लेकिन किसी तरह के नुकसान की अभी तक आशंका नहीं है, ना ही कोई खबर आई है। कुछ पेड़ जरूर गिरे हैं जिसको लेकर के पहले भी कहा जा रहा था तेज हवाएं से गिरेंगे और कुछ खंभे गिरने की आई है, लेकिन उनको भी साफ कर दिया गया है। अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि जो तैयारियां की गई थी कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान ना हो और लोगों को पहले ही समय रहते जो सेफ जगह है वहां पर पहुंचा दिया जाए, वो तैयारी जो है अब असर दिखाती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि कल जब चक्रवात पूरी तरह से निकल जाएगा तब क्या हालात रहते हैं। ठीक है, अंकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अंकुर जहां मांडवी में हैं और वहीं पर लैंडफॉल हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अंकुर, निश्चित तौर पर इसका जो असर होगा, जो भी तबाही होगी, इसकी तस्वीरें तो कल ही सामने आएंगी, तभी जाकर के पता चल पाएगा, लेकिन ये माना जाए कि वहां पर तैयारियां पर्याप्त है, प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनडीआरएफ हो, पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हों, क्योंकि अकेले मांडवी की बात नहीं है, मांडवी के आसपास का जो पूरा रूरल इलाका है जहाँ छोटे छोटे काम होते हैं, वहाँ के पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, तमाम तरह की एजेंसी, तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, सबने सिनर्जी में आकर एक साथ अपने काम किए, अपने प्रयास दिए हैं यहाँ पर और तैयारियों को बताया है। कोशिश ये रही है जितना जल्दी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी प्लान की जाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से प्लान तैयार किए गए और हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर की गई कि एक भी कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, और उसी का नतीजा है 15 दिन पहले से लोगों तक ये जानकारी पहुंचा देना शुरू कर दिया गया था। 5 दिन पहले से ही जो रेस्क्यू था वो धीरे 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 स्टेज वाइज उसे शुरू कर दिया गया था। कल तक का मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ, मांडवी के आसपास के गांव के 3000 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया या उनसे कहा गया आप दूर चले जाइए, और 16 तारीख तक के लिए गाइडलाइन दे दी गई, मछुआरों के लिए अलग गाइडलाइन दी गई, पर्यटकों के लिए गाइडलाइन दी गई, जो रेस्टोरेंट वाले हैं या जो रिसोर्ट वाले हैं, होटल वाले हैं, उनको साफ तौर पर कहा गया कि आप किसी भी तरह का कोई नया कस्टमर नहीं लेंगे इन हालातों को देखते हुए। तो जो हो सकता था, जो मुमकिन है, जिससे एक भी जान को बचाया जा सके, वो हर कोशिश यहां पर की गई है। बिल्कुल, तमाम कोशिशें की गई हैं और कोशिश यही है कि जीरो कैजुअल्टी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से कदम उठाए जा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। Z News।